हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आपने पहले इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो देख चुका है और देख चुके होंगे, और नहीं देखे हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन में से देख लीजिए अनबॉक्सिंग का वीडियो। आज मैं इसको असेंबल करने के बारे में बताऊंगा, और इस वीडियो को वही लोग समझ पाएंगे जिसको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी आता हो, या नॉर्मल जानकारी हो, या जानकारी से रिलेटेड सारा चीज़ उसके पास जो है मटेरियल, इस सब के बारे में लगभग चीज़ जानता हूँ, वही आज इस वीडियो को समझ पाएंगे और सिंपली कनेक्शन कर पाएंगे फ्रेंड। और इससे भी ज़्यादा डिटेल वाली वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें, मैं पूरी इसके जो डिटेलिंग वाली वीडियो भी आपको बना दूंगा, जिससे कि इसमें कनेक्शन करना ईजी होगा, रिपेयरिंग करना ईजी होगा। तो सारा चीज़ का वीडियो हमारा जो है चैनल पर आएगा फ्रेंड, और मैंने सोचा हूँ कि आपको उन चीज़ों की जानकारी देना जरूरी है, ताकि आप इजीली इन सारे कनेक्शनों को इजीली कर पाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन वही लोग कर पाएगा जिसको कुछ ना कुछ जानकारी है, अगर नहीं है फिर भी इस वीडियो को जरूर देखें फ्रेंड, कुछ ना कुछ इसमें भी जानकारी आपको मैं जरूर दूंगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग हमारे चैनल पर मिलते रहते फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में मैं इस ट्रांसफार्मर और दो ट्रांसफार्मर को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर चुका हूँ, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर में दिया हुआ वायर जो है वो सारी चीज़ इससे बोर्ड में लगेगी, और कहाँ पे लगेगी वो सारी चीज़ बताऊंगा फ्रेंड। यहाँ पे वाइट वाला वायर लगेगा जिससे कि यहाँ पे 9 वोल्ट कन्वर्ट होगा, 9 वोल्ट पंखा के लिए यूज कर सकते हैं या 12 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे 12 वोल्ट और 1.7805 लगा हुआ, जिससे कि यहाँ पर ब्लूटूथ किट को 5 वोल्ट मिल जाएगी फ्रेंड, जिससे ट्रांसफार्मर को अलग से पॉइंट निकाला हुआ ट्रांसफार्मर में वाइट वाली वायर जो है तो अलग से जो है उसको क्लिप को यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ, 4 डायोड लगा हुआ ब्लैक कलर का, जो कि डायोड इजीली आपको देखने को मिलेगा इसमें। और उसी डायोड के बाद यहाँ पे अगर लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे तो आपको 12 वोल्ट मिलेगा, जो कि यहाँ पे चेक करना है। 7805 में 5 वोल्ट और 7809 में 9 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सर्किट का डिजाइनिंग और सारा चीज़ बहुत ही मस्त है। 2.2 होम थिएटर बोर्ड है, आपको होम थिएटर बोर्ड में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ स्पीकर के लिए और एक दिया हुआ लाउडनेस के लिए, तो 2 पॉइंट जो है भी पॉइंट वो स्पीकर के लिए दिया हुआ और एक लाउडनेस के लिए। अगर उसको शॉर्ट करेंगे तो लाउडनेस कम या ज़्यादा होगा फ्रेंड, यहाँ पे लाउडनेस करके लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर दिया हुआ फ्रेंड। तो सिंपल, उसको नहीं यूज करने से भी कोई दिक्कत नहीं, और लाउडनेस में ऑटोमेटिक रहता है फ्रेंड। तो हमारा जो है, चलिए फ्रेंड अभी मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊँगा। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का 3 वायर एक छोटा सा है, जो कि इससे बेस्ट ट्रेबल किट में लगेगी, लेकिन इसके लिए यहाँ पे आपको ब्रिज रेक्टिफायर और दो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हमारे पास अभी कंपनी वालों ने इसमें मिस किया है, जिसके कारण मैं यहाँ पे कनेक्शन इसको करके नहीं दिखाऊँगा, और इसको ब्रिज रेक्टिफायर बनाऊँगा उसके बाद। और ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूँगा फ्रेंड, कॉमेंट ज़रूर करें। और चलिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा के इसको कनेक्ट करेंगे फिलहाल ऐसे ही नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड 0 लगेगा, माइनस 0 लगेगा, उसके बाद माइनस 15 वोल्ट या 12 वोल्ट और प्लस 12 वोल्ट, माइनस 12 वोल्ट और प्लस 12 वोल्ट, और बीच वाले जो है 0, तो 0 12 0 ट्रांसफार्मर यूज होगा फ्रेंड, जो कि ट्रांसफार्मर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा माइनस 12 और प्लस 12 और बीच वाली पॉइंट जो है ग्राउंड। तो वैसे कुछ करके यहाँ पे जो 3 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रेंड इस बोर्ड में, सिंपल सा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समझा के अगर बनाया जाए फ्रेंड, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं था जिसके कारण मैं बना नहीं पाया। और इसी से रिलेटेड अगर जानना है फ्रेंड तो कॉमेंट ज़रूर करें, मैं वीडियो को पूरा डिफाइन करके आपको बना दूँगा कुछ ऐसे रिलेटेड जानकारी के बारे में। तो इससे रिलेटेड भी कनेक्शन, कोई भी चीज़ के बारे में कनेक्शन आप कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे ऑडियो इन आउटपुट का जो ब्लूटूथ किट में है, सिंपल सा कनेक्शन लगा हुआ, यहाँ पे एक एंटीना का मिल जाएगा और दो ठो लेफ्ट राइट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड। इस लेफ्ट राइट को यहाँ पे सिंपल सा कनेक्शन लाइन बाय लाइन पर कर देना, बीच वाली ग्राउंड होती है और जो साइड वाली पिन है वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो चलिए लेफ्ट राइट में यहाँ पर कनेक्शन कर देते फ्रेंड। और फ्रेंड बहुत ही ईजी है कनेक्शन अगर समझ जाए तो, और इसका जो बेसिक है वो भी सारा चीज़ हम YouTube चैनल में डालने का कोशिश करूंगा फ्रेंड, और आप भी जरूर सपोर्ट करें मुझे। और चलिए, आपको मैं जो भी जानकारी सारे इस वीडियो में दूंगा फ्रेंड। तो चलिए, यहाँ पर सिंपल सा हमारा जो है कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड,
सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे फ्रेंड। और ये है हमारा आउटपुट सेक्शन का ऑडियो, जो कि यहाँ से आउटपुट होके इनपुट आउटपुट आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। जहाँ पे इनपुट लिखा होगा वहीं पे इनपुट करेंगे, जहाँ पे आउटपुट लिखेगा वहाँ पे आउटपुट करेंगे। OT करके लिखा होगा या IN करके लिखा होगा या आउट करके लिखा होगा। तो चलिए, यहाँ पे तीन तार जो है इनपुट है, यहाँ पे तीन तार का इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ इस बोर्ड में भी। थ्री वायर का पॉइंट यहाँ पर भी दिया होगा फ्रेंड, जो कि साफ यहाँ पे हाथ से नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थ्री वायर का दिया होगा पॉइंट। एक दो तीन पॉइंट है, उसी तीन पॉइंट में लेफ्ट राइट का कनेक्शन करेंगे और बीच वाले ग्राउंड है जो ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे वाले कनेक्शन को कर लिया हूँ और ब्लूटूथ किट का 5 वोल्ट का जो है उसका भी कनेक्शन करेंगे। तो बोर्ड में पावर देके देख लेंगे पहले फ्रेंड, उसके बाद ही कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे 12 ट्रांसफार्मर का जो हमने पहले कनेक्शन कर लिया था बड़ा वाला, वो उसका वीडियो में नहीं दिखा पाया, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा तीन पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा फ्रेंड, और ग्राउंड यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो है बीच वाली, वो अगर तीन कलर होगा तो एक तो कॉमन कलर अलग ही होगा, जो कि तीन वायर का सेटिंग है वो लगा दीजिएगा तो आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा है। अगर कुछ दिक्कत होता है इस बोर्ड में तो डायरेक्टली व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं, मैं आपको कनेक्शन बता दूंगा ऐसे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड। लेकिन फिलहाल मैं जो बेसिक ट्रिक बताऊंगा उससे सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर के थ्रू यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट में कनेक्ट करिएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक कर लिया, सारा चीज़ मैंने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड, हमारा जो है कनेक्ट हो चुका है और यहाँ से मुझे 5 वोल्ट मिल जाएगा। 9 वोल्ट के लिए मैंने पंखे में लगाऊंगा, या डायरेक्टली 12 वोल्ट भी लगा सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर से एक्यूरेट वोल्टेज मिल रही थी फ्रेंड 12 वोल्ट, या बोर्ड में मॉडिफिकेशन है या किसी में भी मॉडिफिकेशन जरूर है तो एक्यूरेट वोल्टेज आपको मिलने वाली फ्रेंड। तो चलिए, एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर मैंने बना लिया हूँ, जिसमें -12 और +12 आपको मिलने वाली है। और इसमें ट्रांसफार्मर का 3 वायर का कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि 3 वायर अलग अलग है, उसको कनेक्ट करके उसके बाद हमारा जो है बेस्ट ट्रेबल किट में लगाएंगे फ्रेंड। जो कि बेस्ट ट्रेबल किट का अनबॉक्सिंग करके आपको पहले वाले वीडियो में मैंने दिखा चुका हूं फ्रेंड, उसी में इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, सिंपल सा मैंने कनेक्ट कर लेता हूं। और फ्रेंड, जो भी बोलता हूं सारा चीज़ आपका 100% काम करेगा, और इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। आने वाले दिनों में आपको वीडियो तुरंत ही मिल जाएगा। और चलिए, पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं। और हमारे पास सारा चीज़ का जुगाड़ है, कुछ कुछ जुगाड़ का कमी हो जाता है फ्रेंड, तो मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं जितना कोशिश करूँगा कि आपको जो है सही तरीका से मैं बता दूँ। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का -12 और +12 मुझे मिल जाएगा मल्टीमीटर में, चेक कर लीजिएगा। बीच वाली ट्रांसफार्मर का जो तार है बीच वाली पॉइंट में जुड़ेगा, जो कि बोर्ड में भी बीच वाली पॉइंट में, सिर्फ यहाँ से -12 और +12 ही चाहिए, जो कि DC होना चाहिए, AC नहीं। मैंने AC दे दिया था फ्रेंड, तो हमारा जो एक IC जो है ख़राब हो गया था फ्रेंड। तो ये गलती ना करें, आपका भी IC ख़राब हो सकता है, वो भी एक IC ख़राब होने से भी हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था फ्रेंड, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो तीन IC का बेस्ट ट्रेवल किट है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आपको बेस्ट ट्रेवलिंग मिलने वाली है फ्रेंड। तो बहुत ही मस्त क्वालिटी और बहुत ही अच्छे क्वालिटी में सेलकॉन का ये एम्पलीफायर मैंने परचेज किया हूँ, जो कि परचेज मैंने बहुत ही लो प्राइस में किया हूँ, लगभग 3 से 3.5 हज़ार के आसपास में ये आपको परचेज करने का मिल जाएगा आपको फ्रेंड। और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिलहाल अभी हमारे पास लिंक नहीं है, लिंक आते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक इसका मिल जाएगा। कंपनी वाला से मैंने बात कर लिया हूं, और आपको जो है क्या प्राइस में मिलने वाली सारा चीज़ डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, अभी हमारा जो है कंप्लीट वो चीज़ नहीं हुआ फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड, यहाँ पे AC लाइन को कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि दोनों ट्रांसफार्मर का वायर का कनेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। और सारे चीज़ को करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे AC कोड को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो हमारा जो एम्पलीफायर लगभग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं एम्पलीफायर को चेक करूँगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं बताया, मेन ट्रांसफार्मर का जो पावर सप्लाई का कनेक्शन कहाँ पर करना है, सिंपल सा वो भी कनेक्शन फ्रेंड ट्रांसफार्मर का 3 वायर 3 पॉइंट में आपको कनेक्ट कर देना है। सिंपल सा कनेक्शन बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा, अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं फ्रेंड। हमारा वीडियो कुछ
प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो मिस हो चुका है फ्रेंड। वीडियो रिकॉर्डिंग किया था फ्रेंड, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होने के कारण आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ फ्रेंड। फिलहाल जहाँ तक है मैं सारा चीज़ को दिखाऊँगा फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर स्विच का कनेक्शन भी आपको जो है एक पॉइंट में यहाँ पर जोड़े, और यही सेम पॉइंट सेकेंड वाले स्विच में भी जोड़ेंगे फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर सेकेंड वाले पॉइंट में भी जोड़ते हैं। एक यहाँ पे मैंने जोड़ लिया, सिंपल सा कनेक्शन है फ्रेंड स्विच का भी, और यहाँ पे जोड़ लिया। और एला इस ये वाली पॉइंट को भी इस पॉइंट में जोड़ लेंगे फ्रेंड, सेकंड वाले स्विच का बीच वाला है, तीनों का बीचों बीच वाली पॉइंट में जुड़ेगा। तो सभी स्विच को यहाँ पे बीचों बीच में पैरेलल कर देते हैं फ्रेंड, ताकि जो आपका 100% काम करेगा फ्रेंड। तो सभी स्विच को पैरेलल करेंगे, उसके बाद ही जो है यहाँ पे आगे वाले कनेक्शन करेंगे। तो चलिए सारे स्विच को पैरेलल कर लेते हैं फ्रेंड, और ये भी ट्रिक 100% काम करेगा। और स्विच का कनेक्शन नहीं समझ में आता है तो एक वीडियो में स्पेशल बना दूंगा, जिससे स्विच का कनेक्शन इजीली आप समझ पाओगे कौन सा कैसे काम कर रही है। यहाँ पे मैं साफ साफ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसा करोगे तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे पैरेलल कर लिया हूँ सारे कनेक्शन को। आप यहाँ पे जो कनेक्शन कौन सा इन करना, कौन सा पुट करना, कौन सा स्विच में क्या होगा फ्रेंड, वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिलहाल मैं जो बता देता हूँ वैसे करके आप चेक कर लीजिएगा, 100% जो है काम करेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे इस वाली बेस्ट ट्रेवल किट वाली बोर्ड में लगाते हैं, और यहाँ पर इसका ग्राउंड पॉइंट को हटा देते हैं। मान के यहाँ पर दो ही पॉइंट को इनपुट और आउटपुट करना है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे इस वाली पॉइंट में कनेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, बीच वाली पॉइंट में कनेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से हमारा जो बीच वाली पॉइंट में सब चीज़ में इनपुट होगा फ्रेंड, जो कि मैंने पैरेलल किया हूँ। तो चलिए बीच वाली पॉइंट में इससे इन बेस्ट ट्रेवल वाली जो किट है उसका कर लेते हैं, जिसमें आउटपुट ब्लूटूथ का जिससे भी जाएंगे उसमें इनपुट होगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे एक दो पॉइंट और कर लेते हैं लास्ट वाला में, जिसमें MP3 से स्विच को टिपेंगे तो ऑन हो जाएगा और हमारा जो काम करेगा। स्विच हटा देंगे तो माइक या किसी और में कनेक्ट हो जाएगा, जो चीज़ रहेगा फ्रेंड, जिस चीज़ के लिए रहेगा। तो हमने लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन को आपको देखना होगा फ्रेंड, थोड़ा सा चेक करना होगा फ्रेंड, तभी जाके आपका काम करेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ, और बाकी जो फ्रेंड सिंपल सा जो जो कनेक्शन बच के जिस जिस वायर में कनेक्ट करके देखेंगे, जहाँ पे काम करेगा स्विच को ऑन ऑफ करके देखेंगे, उसके बाद जो 100% आपको जो है काम करेगा फ्रेंड। ऐसा कोई प्रॉब्लम इस एम्पलीफायर में नहीं होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, एम्पलीफायर को कनेक्ट कर लिया हूँ, और फ्रेंड ये देखिए आरिस ब्लूटूथ में फ्रेंड माइक भी दिया हुआ, जो कि मैंने नहीं दिखाऊँ। तो ब्लूटूथ किट में जहाँ पर माइक लगाया हुआ है फ्रेंड, वहाँ पर माइक वाली सॉकेट को लगा के इजीली माइक वाले फंक्शन को ऑन करके आप माइक यूज कर पाएंगे फ्रेंड। हमारा जो वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ, और ये देखिए फ्रेंड, हमारा जैक वाले फंक्शन को यहाँ पे सारे पिन को शॉर्ट करके पैरेलल में कनेक्शन करके जो जो पिन का है लाइन बाय लाइन वाले जो है, और सारे पिन को यहाँ पर एक्यूरेट कनेक्ट करके, और सिंपल सा यहाँ पर भी कनेक्शन है फ्रेंड। और उसके बाद दो वायर को लेफ्ट राइट, और जो साइड में सटा हुआ पिन है जो फ्रेंड ग्राउंड के साथ शॉर्टेड नज़र आएगा मल्टीमीटर से अगर चेक करेंगे, तो ग्राउंड को ग्राउंड में देंगे और लेफ्ट राइट को लेफ्ट राइट में कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड, और जो कि स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि स्विच में AUX का फंक्शन टिपेंगे तो हमारा जो AUX मोड में जाने के बाद वो हमारा काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर स्विच का जो पॉइंट है यहाँ पर उस पॉइंट में कनेक्शन कर देते, ताकि वहाँ से भी कनेक्ट करके इसको बजा पाए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और बहुत ही इजीली आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है ये एम्पलीफायर मैं चेक कर रहा हूँ, और ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, फिर से नया वीडियो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलते हैं फ्रेंड।